Realme GT Neo 2 बेसिकली ये वाला फोन आ रहा है दो टाइप के लोगों के लिए और वीडियो के लास्ट तक तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, कब तक आने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना वेस्ट किया। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, क्योंकि इस तरह के वीडियोज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लास वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाइक साइड में, फ्रंट साइड में तो ग्लास ही मिलता है, प्लास्टिक दे देंगे तो फोन चलाएंगे कैसे। और हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फोन के थोपड़े के बारे में, मींस डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है 6.62 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले और एमोलेड होने वाली है। 120 हर्ट्ज का हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलने वाला है और आप लोगों को लगभग 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और आप नॉर्मली पूछोगे तो 900 से 1000 तक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर कुछ नया किया है रियलमी ने, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 दिया है। तो प्रोसेसर से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप खूब दबा के गेमिंग करो यार। समझ रहे हो ना, बहुत तेज हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने गेमिंग कर ली दबा के, अब बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। क्योंकि देखो यार, किसी भी फोन में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, कैमरा, बैटरी और चिपसेट, ताकि हम लोग दबा के गेमिंग कर सकें। यार नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया दबा के। यहाँ पर आप लोगों को रियर साइड में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। मैं बोलूँगा हाँ, काफ़ी बढ़िया कैमरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सोनी का ही IMX सेंसर कोई देने वाले हैं। अगर 686 होता है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने की उम्मीद है। और उसके साथ में अगर बात कर लेते हैं आपकी सेफ्टी के बारे में, तो मैं बोलूँगा सेफ्टी एकदम नेक्स्ट लेवल, मतलब कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है। यार चलो अच्छा है, डिस्प्ले ही होना चाहिए क्योंकि 870 चिपसेट है, तो जाहिर सी बात फ़ोन तो महंगा ही आएगा। और जब फ़ोन महंगा होता है तो यार डिस्प्ले ही होना चाहिए। साइड माउंटेड और रियर साइड से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि 20,000 वाले फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फ़ोन के बैटरी के बारे में, तो लगभग 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलेगी फाइनली। मतलब काफ़ी टाइम के बाद ये फ़ोन आया है, मतलब आया है या फिर और भी आए हैं, जहाँ पर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। वैसे क्या हो रहा था, स्टैंडर्ड हो गया था कि 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, तो यहाँ पर आप लोग 5000 mAh की बैटरी दी गई है। उसके साथ में आप लोगों को 65W का चार्जर देखने को मिल सकता है, जो कि आपके फ़ोन की बैटरी को लगभग 35 से 37 मिनट या 36 मिनट में फुल करने वाला है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, आप लोग भूल जाते हो, लेकिन यार बोला मत करो, अपने भाई का भी थोड़ा सा ख्याल रखो। तो वेल, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में, तो देखो ब्लैक तो आने वाला है, बाकी कलर्स का कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर अगर प्राइसिंग की बात करेंगे, उससे पहले आप लोग बताते हैं वेरिएंट के बारे में, तो 8128 वाला वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप लोगों को लगभग 12256 वाला या फिर 8256 देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं डायनेमिक रैम की, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया एक्सपेंशन रैम, तो वो उसका सपोर्ट शायद ही इसमें हो, बट अभी कुछ पता नहीं चला है कि है कि नहीं है, लेकिन 95% चांस है कि होगा ही होगा, क्योंकि रियलमी ये वाले खेल काफ़ी ज़्यादा खेलता है। आप लोगों को पता है 13 GB डायनेमिक रैम है यार। तो बिल्कुल लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, 30,000 से 31,000 रुपए के आसपास ये फोन आना चाहिए और बहुत ही जल्द आप लोग देखने को मिलेगा। तो वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।